सोलर टेक न्यूज के एक नया फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नो प्रशांत फैमिली में, और मैं प्रशांत लेके आ गया हूँ आपके लिए टेक न्यूज का एक नया और फ्रेश एपिसोड दोस्तों। तो आज की जो टेक न्यूज है वो काफी बम्पर होने वाली है, ऐसा कि बम फोड़ दिया किसी ने दोस्तों, तो काफी शानदार टेक न्यूज होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस हमेशा देखने के लिए मिलती ही रहेंगी दोस्तों। तो चलिए आज की अपना टेक न्यूज़ का एपिसोड शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली खबर की। जो पहली खबर है वो निकल के आ रही है रियलमी एक्स थ्री सीरीज़ को लेकर। जो रियलमी एक्स थ्री सीरीज़ है वो इंडिया में आज की डेट पे यानी कि 25 जून को लॉन्च हो गई है दोस्तों। 24,999 रुपये से जो इसकी सीरीज़ की कीमत है वो स्टार्टिंग है। रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम में 60x का जूम दिया गया है। जो रियलमी एक्स थ्री का 6GB रैम और 128GB रैम वाला वेरिएंट है यानी कि बेस मॉडल 24,999 से स्टार्टिंग होता है, और सुपर जूम का जो वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वो है 27,999 रुपये। 12GB के साथ में 256GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है 32,999 रुपये में। तो दोस्तों जो फ़ोन है वो काफ़ी कमाल का है और पावर देने के लिए लगा है आज तक का सबसे 4G सबसे बेहतरीन प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 855+ प्रोसेसर दिया गया है। रियलमी एक्स थ्री में टेलीफोटो लेंस भी दिया गया और साथ ही 2x का ऑप्टिकल जूम भी दिया गया है इस फोन में दोस्तों। 30 जून से 12 बजे से ये आ जाएंगे सेल पे। 6GB रैम और 128GB 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में 6.6 इंचेस के एक फुल HD+ डिस्प्ले के साथ में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। 19:5% का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी है फोन में। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855+ प्रोसेसर दिया गया है। एड्रेनो का 640 GPU के साथ में 8GB की रैम और LPDDR4X का रैम जो दिया गया है वेरियंट वो दिया गया है। रियलमी एक्स थ्री में बात करें तो क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है दोस्तों। F2.5 एपर्चर वाला 2.2x का ऑप्टिकल जूम भी दिया गया है इसमें, और साथ ही 16 मेगापिक्सल का इसमें सोनी का IMX471 जो कैमरा सेंसर है वो भी दिया गया है। UFS 3.0 के स्टोरेज के साथ में आता है। 128GB का इंटरनल स्टोरेज लेके आता है। जो फ़ोन है दोस्तों वो काफ़ी कमाल का है, ऐसा कह सकते हैं। जो सीरीज़ है वो काफ़ी कमाल की निकल के आई, और जो कीमत है वो तो और भी लाजवाब है। 24,999 रुपए में अगर आपको स्नैपड्रैगन 855+ वाला प्रोसेसर मिल जाए तो मैं तो दोस्तों डेफिनेटली फोन खोलूंगा। मैंने गलती कर दी, वीवो V19 लेके मुझे लेना चाहिए था रियलमी एक्स थ्री, तो अब जो हो गया वो हो गया, क्या कर सकते हैं दोस्तों। यही है कुछ फीचर। और बैटरी की बात करते हैं, 4200mAh की बैटरी दी गई है 30W के डार्ट फ्लैश चार्ज के साथ में दोस्तों। 202 ग्राम के जो फोन्स हैं, 202 ग्राम का वेट है। एक्स थ्री जूम सुपर जूम एडिशन में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है फंडा। 64+8+ ये कुछ सेंसर्स दिए गए हैं। 60x का इसमें ऑप्टिकल जूम दिया गया है, जो कैमरे के मामले में थोड़ा बहुत ऐसा कह सकते हैं कि कैमरे के मामले में दोस्तों थोड़े बहुत क्या माइनर से डिफरेंस हैं ऐसा कह सकते हैं कैमरे के मामले में। लेकिन जो फ़ोन का प्रोसेसर होने वाला है सब कुछ सेम है, कैमरा थोड़ा सा अलग है। रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम एडिशन का जो कैमरा है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। 32MP+8MP का फ्रंट कैमरा है। 64+8+8+2MP का क्वाड रियर कैमरे वाला सेटअप है, और साथ में वहीं पे रियलमी एक्स थ्री में 16+8MP का डबल रियर कैमरे का सेटअप आपको फ्रंट में देखने के लिए मिलता है। तो जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो कीमत है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। तो पहली खबर में बस इतना ही, पहली खबर काफ़ी लंबी हो गई तो रखते हैं बस इतना ही और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर है वो थोड़ी सी शॉर्ट में बताएंगे। सैमसंग गैलेक्सी M51 का अगर आप वेट कर रहे हैं दोस्तों तो आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, सितंबर तक का वेट आपको करना पड़ सकता है। जुलाई में लॉन्च किया जाने वाला था लेकिन अभी जुलाई में नहीं लॉन्च होगा। फ़ोन जो है स्नैपड्रैगन के 675 या 730 प्रोसेसर के साथ में लॉन्च हो सकता है। 6.5 इंचेस का एक फ्लैट डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो कि ऐसा कि पंच होल डिस्प्ले के साथ में आ सकता है फ़ोन इंडिया में। लेकिन जो अभी वेट है आपको वेट काफ़ी करना पड़ेगा, 1-2 महीने का वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और 6.5 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, 8GB की रैम हो सकती है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी हो सकता है फ़ोन में। एंड्रॉयड 10 पे फ़ोन रन करेगा, अभी जो है कुछ कंफर्म नहीं है। आपको अगर आप वेट कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 का तो आपको सितंबर तक वेट करना है, तो रुक आराम से दोस्तों, वेट का कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाना है, बैठे रहिए वेट करते रहिए। और जो फ़ोन ले रहे हैं उसका एकदम कचूमर निकाल दीजिए, तब तक चलाते रहिए सितंबर तक अगर आपको M51 का वेट है। तो दूसरी खबर में बस इतना ही, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर है वो निकल के आ रही है दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरफ से लेके, ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अभी आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए इंडिया में भी है, बहुत सारे ऐसे
दंगे चल रहे हैं, फिर बहुत सारा ऐसा चल रहा है कुछ की स्ट्राइक हो रही है कि आप जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट कर दीजिए। तो अभी अमेजोन और जो फ्लिपकार्ट है उस पर एक नई सेटिंग या फिर नया फीचर निकल के सामने आया है। इसमें आपको जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट बताएंगे कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, यानी कि जो बना है कौन से कंट्री में बना है, तो इससे आप काफ़ी आसानी से प्रोडक्ट्स को ले पाएंगे। और आपको लेने में या फिर देखने में कि आपको कौन सी कंट्री में बना है तो वहाँ का प्रोडक्ट आपको लेने में अच्छा होगा। तो अभी ऐसा होने वाला है, बहुत दिनों से बायकॉट चाइना का जो ट्रेंड है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जल्दी सरकार जो है पास कर सकती है मूल देश दिखाने का आदेश। तो जो प्रोडक्ट्स हो गए हमको अपने ही जो कंट्री हो है अपनी इंडिया है, हम लोग काफ़ी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र हैं, तो हमको एक बंद के अपना मूल जो हमारे अगर जो कंट्री में हमारे बनाए प्रोडक्ट, हमको हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसी स्कीम लाए कि जो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बना है हमको बस उसी को यूज़ करना रहे, ना कि हम कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो हो सकता है ऐसा हो जाए तो हमारी जो कंपनियाँ हैं माइक्रोमैक्स वगैरह जो भी हमारे निजी कंपनियाँ हैं लावा वगैरह, हो सकता है काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन लाया। मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्या आपको उम्मीद है? अगर आपको उम्मीद है कि लावा की तरफ से कुछ अच्छा फ़ोन देखने के लिए मिलेगा तो जाइए कमेंट बॉक्स में, नीचे सेक्शन आपके लिए फ्री में खुला है, कमेंट अपना ठोक दीजिए दोस्तों। तो तीसरी खबर में बस इतना ही। तो दोस्तों जो हमारी अगली खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है Redmi 9A के कुछ स्पेसिफिकेशन को लेके। सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हो गया है जो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि निकल के सामने आ गए हैं। NFC एडिशन जो होगा वो लॉन्च कर सकती है जो कंपनी है वो Redmi 9A का, जो मॉडल नंबर है M2006C3LG के नाम से लिस्ट हुआ है। FCC की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी लिस्ट हो चुका था। 5000 mAh की बैटरी के साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आ सकता है, और साथ ही फ़ोन को 10 वाट के चार्जर के साथ में लॉन्च किया जा सकता है। जो चार्जर देखने के लिए मिलेगा फ़ोन के ऑन आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वाट का चार्जर मिल सकता है। 6.53 इंचेस का एक LCD IPS डिस्प्ले हो सकता है। 5 MP की सेल्फी हो सकती है। वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में ये फ़ोन आ सकता है। मीडियाटेक का हेलियो G25 प्रोसेसर के साथ में 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। बैक साइड में हो सकता है कि आपको फिंगरप्रिंट भी देखने के लिए मिल जाए दोस्तों। तो यही है कुछ रेंडर्स जो कि निकल के आ रहे हैं Redmi 9A को लेके। तो अभी रेंडर्स निकल के आ रहे हैं, तो और एक रेंडर्स की बात कर लेते हैं अगली खबर में। वही निकल के आ रही है एयरपॉड्स, एप्पल के एयरपॉड्स 3 को लेके। अगले साल इनकी जो लॉन्चिंग होगी, ये साल दोस्तों नहीं होने वाली है, अगले साल इनकी लॉन्चिंग होगी, जो इसकी कीमत होगी तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 12,224 रुपये के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और जो इसकी कीमत है जो अभी अवेलेबल है वो, और इसकी भी जो कीमत होगी 12,500 या 12,400-12,500 के आसपास में हो सकती है एप्पल एयरपॉड्स 3 की। तो ये साल में तो ये लॉन्च नहीं होने वाला है, कन्फर्म हो गया। तो अब वेट करिए कि अगला साल कब आए, और अगले साल में 2020 तो काफ़ी ख़राब ही गया, तो अगला साल आए हो सकता है कुछ नया लेके आए, नए कुछ लॉन्च हो, नए कुछ फीचर्स, नए कुछ फोन्स, नए कुछ ईयरबड्स देखने के लिए मिले। तो अगली इस खबर में बस इतना ही। अगली खबर में बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर निकल गया रही है रियलमी बड्स क्यू को लेके, जो वायरलेस ईयरबड्स इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं रियलमी की तरफ से। रियलमी बड्स क्यू नए डिज़ाइन के साथ में लॉन्च हुआ है। फ्रेंच डिज़ाइनर की साझेदारी के जो हैं कि जोश लेवी, उनका डिज़ाइनर ये डिज़ाइन है कुछ रियलमी बड्स क्यू का। जो डिज़ाइन है 10mm का जो ड्राइवर है उसके साथ में आता है। IPX4 की जो प्रोटेक्शन और सर्टिफिकेशन इसमें दी गई है दोस्तों। माइक्रो USB के चार्जिंग केस के साथ में आता है। 20 घंटे का कुछ प्लेबैक जो टाइमिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो इसका बड्स होगा 4.5 घंटे तक आप इसको लगातार यूज़ कर पाएंगे। ब्लूटूथ 5.0 के कनेक्टिविटी के साथ में आता है। टच कंट्रोल के है, लेटेंसी मोड दिया गया है इसमें, बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं, गेम मोड दिया गया है दोस्तों। 109 मिलीसेकंड्स का ऑफर करता है, जो लो लेटेंसी सबसे जाती है 109 मिलीसेकंड्स तक जाती है। आप जो टैप और ऑप्शन रहता है म्यूज़िक प्ले पॉज कर सकते हैं, फ़ोन को उठा सकते हैं, कट कर सकते हैं। और जो इसका वेट है वो 3.6 ग्राम्स है बस। तो मेरा जो रियलमी बड्स एयर है वो तो हो चुका है फाइनली 4000 का, 4 महीने 5 महीने में ख़राब। अब देखते हैं रियल मी बड्स क्यू क्या लेके आता है, क्या लें या नहीं लें, आप कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिए दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जाते जाते ये भी लेते जाइए दोस्तों। रियल मी की तरफ से अगली खबर निकल कर ये वो है रियलमी C3 का रीब्रांडेड वर्जन, जो कि वियतनाम में लॉन्च हो गया है। रियलमी C3 का रीब्रांडेड वर्जन 6.5 इंचेस के IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले के साथ में लॉन्च हुआ है। 3 जुलाई को जो सेल होगी उसका आयोजन किया जाएगा। 5000 mAh की दमदार बैटरी, डुअल रियर कैमरा, HD+ डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है। 2GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज, 3GB या 4GB रैम वेरिएंट के साथ में अवेलेबल है एंड्रॉयड 10 के साथ में। दोस्तों ये जो फ़ोन है वो रन करता है रियलमी UI पे। कैमरे की बात करें 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरे का सेटअप,
5000mAh की बैटरी, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी और USB माइक्रो USB का इस्तेमाल किया गया है, 4G फ़ोन है। अब दोस्तों रीब्रांडेड वर्जन या फिर हो सकता है कि कुछ अलग नाम से लॉन्च हुआ हो, पता नहीं क्या है फंडा, लेकिन रियलमी C3 जो था वो वियतनाम में रीब्रांडेड हो के कुछ लॉन्च हो गया है दोस्तों। तो आज के टेक न्यूज़ में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभारी हैं। हमारी जो फैमिली है 1000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है दोस्तों। नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करो और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लो दोस्तों, और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए दोस्तों। मिलूंगा कल आपसे टेक न्यूज़ के एक नया फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम।